कर दी जल्दी जाते जल्दी जाते, मैंने कहा देर कर दी है ना। बोलो सती मैया की। लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ, बुआ ब्लॉग ना बना रही, बुआ ब्लॉग ना बना रही, और ये आना नहीं चाहता। लास्ट सुबह की लास्ट चाय धनसिनी वाली, इस वाले घर की। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। न्यू है तो लड़कियों की जो खुशी मैके में आते समय होती है ना, वो जाते समय बिल्कुल भी नहीं होती। वही उदासी आज मेरे चेहरे पर भी है, क्योंकि बहुत जल्द मुझे भी जाना है। तो नहीं हो रहा दर्द? सही हो गया? चलो बड़ी अच्छी बात है। भाभी जी ने पापा जी के लिए बनाया है दलिया, जो उनके लिए बहुत अच्छा है। सभी दांत निकल गए हैं ना, तो वैसे चबाने वाली चीज़ तो वो खा नहीं रहे हैं, दलिया खा रहे हैं। और ये तो कोई भी खा सकता है घर में। नाश्ते में बहुत ही अच्छा बनाया उन्होंने, बहुत टेस्टी हो रहा है ये। पापा जी के सब दांत निकल चुके हैं। नाना जी के सब दांत निकल गए? निकल गए, मेरे ये दो निकल गए। मनु के भी ये दो निकल गए। झाड़ू मार के जा रहा है। आपको ये लोकेशन बिल्कुल याद नहीं आई होगी, अभी भी गन्नों के खेतों में आ रखे हैं, क्योंकि माता का जो कुंडारा चढ़ा था पिछले साल इसी टाइम की बात है। पिछले साल कुंडारा जहाँ लगाया था वहीं आ चुके हैं दोबारा से प्रसाद चढ़ाने। वही महीना है साढ़ का, और मैं नीचे देख देख के इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये रास्ता बिल्कुल हाईवे है, बहुत भयंकर है। इन रास्तों पे एक साल पहले आए थे हम साढ़ के महीने में, जब कुंडारा दिया था सती माता का, और आज फिर आए हैं हम यहाँ पे, क्योंकि ये भी साढ़ का ही महीना है। इत्तेफाक की बात है कि इन दिनों में हम यहीं पे हैं। ऐसा हर साल तो आने को मिलता नहीं है, जब कभी भी आने को मिलता है तो मैं ये मौका नहीं गंवाती। सोमवार का दिन है, सोमवार में यहाँ पे प्रसाद चढ़ता है सती माता का। जिन जिन के यहाँ सती माता का पूजन होता होगा उन्हें पता होगा इस बात का। आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से देख लेना, एक साल पुरानी वीडियो। मनु संभल संभल के चल, बहुत ही ऐसे पतले पतले सी रास्ते हैं, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन कीचड़ वीचड़ नहीं है। अभी बारिश नहीं हुई ना, तो अभी फिर भी ठीक हो रहा है मौसम, तो अच्छा है आने के लिए। ठंडा लग रहा है बहुत, और चारों तरफ कितनी हरियाली है यहाँ, और हम तीनों ही हैं यहाँ पे। क्योंकि जो यहाँ के रहने वाले हैं वो तो कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने के लिए, और हमें आज कुछ लोग घर में नहा धो रहे थे अभी कि हम बाद में जाएंगे प्रसाद चढ़ाने के लिए, हमें थोड़ी सी जल्दी है। क्योंकि उसको कुछ याद आया सीन, ये आना चाहिए, ये तो भाई सबको ही आना चाहिए, याद आ गया सबको ही आना चाहिए। हम इधर में घूम रहे हैं, चिड़िया बोल दिया एकदम गजब, यहाँ तो पिछली बार तो बहुत भीड़ हो रही थी, अभी होगी। और उधर में एक तालाब है, उधर में वहाँ देखते हैं। मनु नीचे आओ नीचे। और ये रहा वह स्पेशल वाला मंदिर, सब बच्चों का स्वास्थ्य बनाए रखना, इन्हें सद्बुद्धि देना, उत्तम स्वास्थ्य देना, दीर्घायु देना, और अपना आशीर्वाद इनके ऊपर हमेशा बनाए रखना। ये बच्चों के लिए प्रार्थना की जाती है सती मैया से। मनु माथा टेको के सती मैया हमें सद्बुद्धि ऐसे। जय सती मैया, माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन, माता के चरणों में कोटि कोटि कमन नमन, सती माता की जय। बोलो सती मैया की जय। एक शिवलिंग स्थापित है, इधर में हवन होता है, यहाँ पीछे की साइड में यहाँ पे हवन होता है, और इधर में शिवलिंग है, शिवलिंग स्थापित है,
तो इस पे प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। हम निकल लेते हैं। शिव चढ़ाओ तुम भी चढ़ाओ। धर्म क्या क्या होते हैं ये छोटे छोटे से बनाए हुए? ये इनके वो बदमे माने जाते हैं बच्चे। छोटे छोटे हर जगह ही बने हुए हैं ये। सती मैया के बच्चे माने जाते हैं। ये भी है। वहाँ भी कुछ बना हुआ है। ये छोटी मैया। घर से बने हैं छोटे-छोटे। इनके सबसे बड़े बच्चे हैं हम। क्योंकि हमारे घर रखते हैं बड़े-बड़े। आई हाय नंगे पैर खेल रहे हैं सब रहे सब कुछ। डाल क्या आम? देख आम के पेड़ पे टपक रहे हैं नीचे। पक्के अपने आप टूट रहे हैं। क्या बात है। प्रसाद मिला। प्रसाद ही हमें प्रसाद आते ही मिला। पका हुआ है छोटा सा आम इतना और पका हुआ। तो ये अपने आप से पकते हैं ना। छोटा सा आम इतना पका हुआ वो लग रहे कितने लग रहे हैं। फेंक क्यों रहा है? पका हुआ तो होगा ही। टूटा है। ये रहा वो रहा वो रहा। बस चलें तालाब में पे भी जाना है। चलिए छुई मुई के पेड़ हैं। ये मुरझा गए। ये मुरझा गए। चल सबको मर बुझा। ये ले चले इसके बीज। हाँ। जी सभी छुई मुई की पौध चाहिए हो यहाँ आ जाए। अभी चलते हैं तालाब पे भी प्रसाद चढ़ेगा। बताओ कैसे कैसे रिचुअल है गांव के। लेमन फेंक दे। वाह वाह मनु कह रही वाह। मैं अंदर घुस गई। जोर से फेंक। ले तेरे तो यही रह गया। ले आरन तू फेंक। ये हाथ जोड़ लो। बत्तख कितनी सारी है। जंगल में आते ही इनके साथ सीन शुरू हो गए। कपड़ों पे बंदरिया चिपक गई हैं। बंदरिया हम तो बंदरिया ही बोलते हैं ना काटे वाले फलों को। ले ये सारा फट गया। चलो अब चलो। आपके पजामे से ही निकला था ये वाली है काटे वाले फल से। हमको ट्रेन भी जाती हुई दिख रही है। नजीबाबाद स्टेशन के लिए ट्रेन जाती हुई। ये अब आ रही है प्रीति। यहाँ सब ऐसे ही आते हैं। ये आ गई मैडम जी। बोलो सती मैया की जय। अंदर मत लेके जाए। यहाँ से तो पैदल ही चले जाओ। हम अभी अभी चढ़ा के आ गए। जाओ तुम भी चढ़ाओ हम भी चढ़ा आए। पीहू बोलो सती मैया की जय। पेड़ों की छाया कितनी बढ़िया आ रही है ना। गजब। तो फोटो शूट होना चाहिए दबा के। थंबनेल के लिए फोटो लिया जा रहा है तो फोटो खिंचवाते हैं। बस प्रसाद वरसाद हो गया। आप चलते हैं घर को। सभी ऐसा आते रहते हैं। ये इधर किधर से जाना है। बीच में से निकल जाए। माता के दरबार में आऊंगी। वहाँ पे खींची थी पिछली बार फोटो। वहाँ पे खींची थी सब बच्चों ने इकट्ठे होके फोटो। बोलो माता रानी की जय। यहाँ पे हवन के लिए बन रहा है और ये घंटा लगा हुआ है। इसका निर्माण भी थोड़ा पहले हुआ है। तो लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ। बुआ ब्लॉग ना बना रही। बुआ ब्लॉग ना बना रही और ये आना नहीं चाहता। एकदम उड़ जाता है ये। अब कैसे उदास बैठा तू और खा ले पकौड़ी।
वो ब्लॉग ना बना रही, वो अब ना बना रही, वो इसका भी बना ले, पीछे पड़ा रहता है मेरे। ये भी दिक्कत है कि मैं काला आ रही हूँ, देखियो कहीं से काला आ रही हूँ। अब फिल्टर लगा देंगे, काले की चिंता मत करो तू। आ जाओ फ्रेंड्स, पकौड़ी खा लो। जी पकौड़ी खा लो चाय के साथ। मैं भी बहुत अच्छे बनाता हूँ। अच्छा, मेरे हाथ की पकौड़ी खाने आओ। सारे फ्रेंड्स चलो, लेकिन उसके लिए उत्तराखंड आना पड़ेगा। उत्तराखंड एड्रेस एड्रेस बता दे, सब पहुंच जाएंगे। देहरादून पिन कोड 24 8040। पिन कोड कहीं सच में ही ना आ जाए, मैं बताने से डर रहा। फिर एक परात बनानी पड़ेगी पूरी भर के। चटनी, गरम गरम पकौड़े, चाय, मगवाली चाय, मगवाली। ये हमारा विदाई नाश्ता। अभी खाना भी खा सके विदाई वाला। ऐसे विदाई नाश्ता हमारा, देखते हैं विदाई बनता है कि नहीं तुम्हारे लिए। ये बात सही है। ढोलक बढ़िया सी ताल बजा दो। हाँ सबसे बढ़िया कहाँ की होती है ढोलक? कहीं बनती नहीं ढोलक, अमरोहा बनती है। हाँ, सिर्फ अमरोहा बस। जूसर मशीन? अच्छा ना ना, ना, ना। हेलो। बहुत देर कर दी, जल्दी जाते। मैंने कहा देर कर दी है ना, धूप हो गई बहुत तेज। लो गाइस हवा ले लो, बंद हो गया पंखा, ऑन करो। ग्रुप में इस तरह से बच्चों को खेलते हुए देखकर बड़ी खुशी मिलती है, लेकिन अब ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। और मनुष्य तो इतनी नाजुक है कि खेलते खेलते चोट ही मार लेती है। इस बीच में मनुष्य को चोट लग गई है। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पर एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद फ्रेंड्स। अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड बाय।